नमस्ते, मैं हूं डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज का जो वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। तो थैंक यू आप सभी को जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोज़ को पसंद किया। तो मैंने सोचा था जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद मैं रिंग लाइट परचेस करूंगी, उसके पहले मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके DIY मोबाइल होल्डर्स बना के मोबाइल को कहीं ना कहीं रख के मैंने जो वीडियो है वो सारे शूट्स किए हैं। तो इसका वीडियो भी मैंने डाला है कि किस तरीके से मैं मेरे वीडियो जो है वो शूट करती थी और करती हूँ अभी भी। ये जो मैंने मोबाइल रखा है वो एक होल्डर पर ही रखा है क्योंकि मुझे आपको ये रिंग लाइट जो है वो बतानी है। तो अगर आप यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, फोटोग्राफर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आपको ये जो रिम लाइट है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं आपको बताती हूँ, तो पहले इसकी मैं पैकेजिंग बता देती हूँ कि किस तरीके की पैकेजिंग में ये मुझे आया था। और मैंने इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। तो पहले मैं एक क्लिप बता देती हूँ जिसमें मैंने इसको अनबॉक्स किया था। तो ये देखिए, ये जो है ये इस तरीके से होल्डर आया है मुझे और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसका बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं है, मतलब कि आप इसको कहीं बाहर भी ट्रैवल कर रहे हो तो इजीली इसको आप लेके जा सकते हो। तो इसमें यहाँ पे डिजिटेक लिखा हुआ है और इस तरीके से ये होल्डर्स है और इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये 4 पैनल्स है और इसे आप खोल के इस तरीके से आपको इसे खोलना है और फिर ये इस तरीके से जो है आपका स्टैंड ऊपर जाएगा। तो इसकी जो हाइट है ये 6 फीट है ये स्टैंड की, तो काफ़ी अच्छी हाइट मिल जाती है। और ये देखिए ये स्टैंड है यहाँ से, तो इसे मैं अभी बता रही हूँ किस तरीके से ओपन करना है। ये जो नॉब है इसे थोड़ा सा लूज़ करना है, अभी मैंने लूज़ किया हुआ है और इसे बस इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। तो ये जितना भी आपको चाहिए उतना आप इसे स्ट्रेच करिए। ये देखिए ये कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो जितना भी आपको इसे स्ट्रेच करना है आप इसे, ये देखिए पूरा ही हो गया। और इस तरीके से फिर यहाँ से आपको जो है वो नॉब टाइट कर लेना है इस तरफ से। तो ये देखिए ये बेस हमारा जो है वो बन गया और ये पैनल्स है, तो ये पैनल्स को ओपन करना है, पैनल से इसे ओपन करना है। तो मैं इसका पूरा आपको बताऊंगी ओपन करके कि कितनी इसकी हाइट है। तो इसे मैं अभी रख देती हूँ और ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ रिंग लाइट। तो इस तरीके की ये रिंग लाइट है, आप मेरे फेस के पे देख सकते हो कि पूरा जो फेस है उस पर ये राउंड अच्छी तरीके से हो जा रहा है और ये जो है ये होल्डर है, तो इस तरीके से ये रिंग लाइट है। तो इसका जो इन्होंने बताया था कि ये 12 इंच की है, तो ये 12 इंच की तो नहीं है, मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। ये देखिए ये जो है कुछ आप बोल सकते हो 10 या 11 इंच की है ये, तो ये 12 इंच की तो नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये 12 इंच की है पर ये 12 इंच की नहीं है, पर ये जो इतना जो इसका डायमीटर है वो भी काफ़ी है। मेरा जो पर्पस है वो तो सॉल्व हो रहा है इससे। और ये देखिए ये होल्डर है, मोबाइल होल्डर इसका, तो इस तरीके से ये आपको जहाँ भी चाहिए उस एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हो और यहाँ से भी आप जो है इसे इस तरीके से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिस भी तरीके से आपको मोबाइल लगाना है इस पर आपको मोबाइल यहाँ पे आपको अटैच करना है और फिर इसे जो है वो ऐसे खींचना है।
तो बस इस तरीके से यहाँ पे मोबाइल अटैच कर लेना, और यहाँ पे ये बॉल दिया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इससे हम जैसे मोबाइल सेट करना चाहते हो बहुत ही इजी तरीके से ये सेट हो जाता है, तो ये मुझे काफ़ी इनका पसंद आया। और यहाँ से जो है ये वायर स्टार्ट हो रही है, तो ये जो वायर है वो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर मैं इसे एक्सटेंशन, अगर आपका प्लग पॉइंट पास में है तो आप डायरेक्टली इसे ही लगा सकते हो, या फिर मैं तो एक्सटेंशन बॉड यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसका वायर है, और ये रिमोट है, तो ये देखिए ये रिमोट है, इस तरीके से इसमें बटन्स है ऑन ऑफ के, प्लस के, माइनस के, तो मैं वो आपको ऑन करके बताऊंगी। और यहाँ से जो है ये इस तरीके से दिया हुआ है कॉर्ड, तो यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो आपको ये चार्जर में लगाना है और उसके बाद फिर आप इसे चालू कर सकते हो। तो फिर मैं अब इसे आपको इस जो होल्डर है उसमें लगा के बता रही हूँ। तो ये देखिए ये जो होल्डर है इस पे ये यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसको इस तरीके से जो है लाइट को बस यू गोल गोल कर करके पूरा बस ये जो है वो लाइट जो है इस पे फिक्स हो गई है, और इसको अब हम चालू करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये एक नॉब दिया हुआ है, उसे अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ होके बताती हूँ, ये जो नॉब है इसे अगर आप थोड़ा सा लूज करोगे तो इस लाइट का जो एंगल है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए ये पूरा पूरी ही जो लाइट है, रिंग लाइट जो है वो पूरी नीचे की तरफ आप जितना चाहे उतना उसे कर सकते हो, नीचे इस तरीके से जितना चाहे उतना उस इस लाइट को आप नीचे कर सकते हो, और उसके बाद जितना चाहे उतना आप इसे ऊपर और पीछे भी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे सीधा करके फिर से नॉब जो है वो टाइट कर दूंगी, तो जो भी एंगल आपको चाहिए उस एंगल में इस लाइट को रखना है और फिर टाइट करना है। तो जब मैं फेस टू फेस वीडियो बनाती हूँ तो मैं इस लाइट को जो है वो स्ट्रेट ही रखती हूँ, और अगर मैं कुछ DIY या फिर कुछ स्टिचिंग के वीडियो बनाती हूँ तो इस लाइट को नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली टर्न कर लेती हूँ ताकि मैं वो वीडियो बना पाऊँ, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। तो मैं चलिए फटाफट से ये आपको चालू करके बताती हूँ। तो ये देखिए ये है चार्जर, इसमें हम ये जो सॉकेट है वो इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और अब मैं ये जो है वो लगा रही हूँ मेरे एक्सटेंशन बोर्ड में, क्योंकि मेरा जो स्विच बोर्ड है वो बहुत दूर है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको रिम लाइट जो है वो चालू करके बताती हूँ अब। तो ये देखिए कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये जो है ये है फर्स्ट शेड वाइट कलर का, उसके बाद ये जो बटन है हमें ऊपर वाला क्लिक करना है, तो ये सेकंड शेड है थोड़ा येलोइश में है, और ये थर्ड शेड है वॉर्म वाइट, तो ये तीन शेड इसमें आएंगे आपको। और तो अभी मैंने ये जो मोबाइल है वो रिंग लाइट के होल्डर में लगा लिया है, और अब मैं आपको चालू करके बताती हूँ कि कितना चेंज पड़ता है रिंग लाइट चालू करने के बाद। तो अभी जो लाइट्स है वो ऑफ है, और अब मैं इसे ये जो बटन है इसे प्रेस कर रही हूँ तो लाइट जो है वो चालू हो जाएगी। तो ये देखिए ये देख सकते हो कि आप ये लाइट चालू हो गई है, मेरे स्पेक्स में भी चमक रही है। तो मैं इसका भी आपको एक जुगाड़ बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये चीज़, अगर आपको स्पेक्स है तो ये जो चीज़ है इसका आप जुगाड़ कर सकते हो। ये देखिए पहले मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद ये जुगाड़ बताऊंगी। तो ये देखिए ये हो गई है फर्स्ट लाइट, ये सेकेंड हो गई, और ये थर्ड। तो ये तीन शेड्स है इसमें, और आप माइनस कर सकते हो। ये देखिए मैंने ये कम कर दी है, काफ़ी कम हो गई है इसकी ब्राइटनेस, और ये मैंने कर दी है फुल, तो ये फुल हो गई, अब इसके बाद नहीं हो रही है, और ये मैंने बंद कर दिया है। तो कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है ये देखिए। अगर तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको भी स्पेक्स है और आप सोच रहे हो कि मैं रिम लाइट तो ले लूँगी पर उसको यूज़ कैसे करूँगी, तो एक जुगाड़ बताती हूँ आपको क्या करना है। एक बेसिक सा आपको मोबाइल होल्डर ले लेना है, और उसमें ये जो मोबाइल है वो आपको नीचे रखना है, और ये जो रिंग लाइट है इसे आपको थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए, अभी मैंने मोबाइल जो है मेरे सामने रखा है एक बेसिक से ट्राइपॉड पे, और साइड में मैंने रिंग लाइट जो है वो एकदम ऊपर की तरफ कर ली है, और अभी ये रिंग लाइट बंद है। अब मैं इसे ऑन कर रही हूँ और आप चेंजेस देख सकते हो, ये अलग अलग लाइट्स दिख रही है, पर अब मेरे स्पेक्स पे जो ये रिंग लाइट है वो नहीं चमक रही है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ऊपर की तरफ नहीं देखना है और सीधा स्ट्रेट देखकर आपको वीडियोस बनाने हैं। इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको स्पेक्स है तो ये जुगाड़ आप कर सकते हो। सामने एक बेसिक सा आपको ट्राइपॉड लेना है, उसमें मोबाइल लगाना है, रिंग लाइट आपको थोड़ी ऊपर की तरफ रखनी है, और इस तरीके से आप रिंग लाइट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चश्मे मत पहनिए, पर मैं चश्मे पहन के शूट करती हूँ तो मैंने ये जुगाड़ किया है। तो आपको ये जुगाड़ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये देखिए मैंने रिंग लाइट बंद कर ली और मैं चालू कर लेती हूँ फिर से। और अगर आपको ये रिंग लाइट परचेस करनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेरे हिसाब से ये रिंग लाइट मुझे तो बेस्ट लगी है। बाकी इसका डिटेल जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ये जो लाइट है इसका प्राइस बॉक्स में लिखा है 2995 रुपीज़, पर मुझे ये अमेज़ॉन से पड़ी है 1800 रुपीज़ में। तो अमेज़ॉन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो।